क्रेयॉन्स को मुंह में मत डालो, पेंट्स कपड़ों पे मत लगाओ। डराओ मत यार। लाइन के अंदर कलर करो, बादल ग्रीन थोड़ी ना होते हैं। शार्क्स, ये है ना हर घर की कहानी। हम पेरेंट्स जब बच्चों की क्रिएटिविटी को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आर्ट प्रोडक्ट तो लाते देते हैं, लेकिन जब बच्चे क्रिएटिव बनना शुरू करते हैं, हम बच जाते हैं ट्रैफिक पुलिस। सही बात। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे हमारे सेफ रहे। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब हम अपने बच्चों के लिए सेफ आर्ट प्रोडक्ट्स ढूंढने निकले, हमें मिले ही नहीं। जो भी मिल रहे थे सिर्फ इंडिया के बाहर ही मिल रहे थे। फिर एक आइडिया आया, क्यों ना हम ऐसे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाएं जो बच्चों के लिए सेफ हो। वहां पे पैदा हुआ डैबल। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम नेहा है। और मैं कैरन हूँ, और हम नम्मा बेंगलुरु से है। डैबल एक ऐसा ब्रांड है जो बच्चों के लिए चाइल्ड सेफ, टॉक्सिन फ्री और डेवलपमेंट फ्रेंडली, यानी कि बच्चों की मेंटल और इमोशनल नीड्स को ध्यान में रखकर बनाता है। आज हमारे पोर्टफोलियो में 10 प्रोडक्ट्स हैं। okay. जैसे कि फिंगर पेंट्स, क्रेयॉन्स, ग्लू, ब्रशेस, कलरिंग पेजेस और अन्य आर्ट एक्सेसरीज है। So sweet. She loves to show her work. चाइल्ड डेवलपमेंट की छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखा है। जैसे ये हमारे ऑर्गेनिक बीजवैक्स क्रेयॉन्स, जो खिलौने जैसे आते हैं, जो बच्चों में कहानियां इंस्पायर करते हैं। और ये है हमारे फिंगर पेंट्स, जिसमें कोकोनट और स्वीट ऑरेंज ऑयल है, जो बच्चों के सारे सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं और उनको अपील भी करते हैं। आवर फिंगर पेंट्स को आसानी से आप टिश्यू से भी पोंछ सकते हैं। wow. And we are the first company in India जिसने अपनी packaging पे अपनी पूरी ingredients की list भी लिखी। आप हमारे products हमारे website पे dabbleplayart.com, Amazon, FirstCry, Flipkart, Nestory पर खरीद सकते हैं। हमारा vision ये है कि Dabble हर बच्चे का पहला art experience हो, ताकि बच्चे बेझिझक freely express कर सके। तो Sharks, इसलिए हम आपसे मांगने आए हैं 50 lakhs for 10% of our company. So Sharks, ab tayar ho to dabble with us? Woohoo! I love the name. Avya and Kiara, first dabblers hai humare. Kiara, can I see? Show. You made a snail. You were making a castle, you made a snail. So cute. Good job. High five. Well done. Yeah, you want to give me a five, Kiara? Thank you for joining thank us. You, thank you. Thank you so much. Bye, Kiara. Bye, Avya. आप दोनों moms हैं, कहाँ से आप मिले और आपको ये कैसे personal experience आया? So मेरे दो बच्चे हैं, एक है 9 साल की और एक 6 साल का बच्चा। मेरा 6 साल का बेटा है। पर आप दोनों ने पहले क्या पढ़ाई की है? मैंने MBA किया है मार्केटिंग और फाइनेंस में, उसके बाद विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किया है IIM बैंगलोर से। आई डिड माय मास्टर्स इन फोटोग्राफी, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी मैंने 13 साल की है। मुझे एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी नहीं करनी थी एनीमोर, आई वांटेड टू यूज फोटोग्राफी इन थेरेपी एंड वर्क विद चिल्ड्रन। कैरन सडनली फ्रॉम नो आर्ट लव, लाइक मैं भी आर्ट में बहुत गंदा हूं, मतलब अगर मेरे को पिक्चरी खिलाते हैं ना, कभी मेरी ड्राइंग किसी को समझ नहीं आती। मेरी फैमिली में कोई नहीं समझ पाता, तो मैं जो अब खिलाना भी बंद कर दिया है मेरी वाइफ और डॉटर्स। आपने कैसे ये आर्ट की तरफ मूवमेंट करी? आई वाज नॉट ट्रेन्ड फॉर आर्ट, लेकिन घर में मेरी मम्मी शी इज टू अलाउ अस टू इवन पेंट ऑन द वॉल्स। हाउ वी फील इज हाउ वी एक्सप्रेस। यस, सो व्हेन आई ड्रॉ आई फील इट्स अ डॉग, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट्स अ डॉग। हमें समझ आ जाएगा। When did you start the business exactly? 2017 में मेरे छोटे से किचन से शुरुआत की थी। फिर हमने एक प्रसिद्ध फूड टेक्नोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट की सहायता से हमारे फॉर्मुलेशंस डेवलप किए। फिर 2018 में हमने हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट की। फिर 2019 में हमने अपना पहला सेल किया
एट IIM NSR सेल जहाँ हमें इंक्यूबेशन मिला है। एक चीज कब से मेरे दिमाग में घूम रही है, आपने सब इंग्रेडिएंट्स आपके बॉक्स पे क्यों लिखे? हम बहुत पेरेंट्स से मिले, उनसे फीडबैक ली। पेरेंट्स पूछ रहे थे क्या डालते हैं, ये स्मेल इतना खराब क्यों है, ये क्यों है। हमने इतना सेफ बनाया है कि अगर बच्चे मुंह में भी डालें तो कुछ नहीं होगा। नहीं, बट कॉपी करना आसान नहीं होता अगर आपने सब डिटेल में डाल दिया। कोई भी कॉपी कर सकता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके इट्स पॉसिबल। तो हमने सोचा दिस इज अ स्टेप वी विल टेक एज मदर्स, ट्रांसपेरेंसी बनाएंगे, दैट इज बिल्ट अ लॉट ऑफ ट्रस्ट वेरी क्विकली विद आवर पेरेंट्स। नाइस। मेरा बेटा 2 साल का है, ही लव्स कलरिंग। Okay. जब भी मैं किसी स्टोर में जाता हूँ उसके लिए कलर्स लेने, तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ चॉइसेस अवेलेबल जो एडिबल कलर्स हैं, तो इसमें क्या यूनिक चीज है जो आपने बनाया? सो कैन आई कम एंड गिव यू द प्रोडक्ट? दीज आर आवर ब्रशेस, आई वांट टू सी द फिंगर पेंट्स। दिस इज फिंगर, दिस इज व्हाट वी कॉल आवर बेबीज फर्स्ट हैंड प्रिंट एंड फुटप्रिंट किट। सो इट कम्स विद 3 पेंट्स एंड अ कैनवास। Nice packaging, by the way. Very cute packaging. So the packaging is very nice. Thank you. तो क्या numbers क्या हैं आपके? जिस हिसाब से लग रहा है अच्छी सेल होनी चाहिए इनकी। 2019-20 में हमने 17 लाख का सेल किया था, 2020-21 में 14 लाख का सेल, और 2021-22 में हमने 47.5 लाख का सेल किया। इस साल अब तक हमने 33 लाख का सेल किया। और अनुपम जी पूछना चाहते हैं पिछले महीने 8.7 लाख सेल कुछ कम लगा मुझे कंपेयर टू जिस तरीके का आपका प्रोडक्ट है। Yes. हम बूटस्ट्रैप कंपनी है, हमने सिर्फ 4-5% मार्केटिंग में डाला है। वी आर लुकिंग एट गोइंग ऑन टू FBA, वी जस्ट गॉट ऑन कर्नाटका, 2 और स्टेट्स में 1 महीने में होने वाला है। तो अभी आप स्टार्ट हुए अपनी जर्नी। Yes. अभी जब बच्चे कलर करते हैं दे नीड एटलीस्ट द यू नो पैक ऑफ 12, आपके जो है सिर्फ 3 कलर्स आ रहे हैं। चैलेंज हमारे लिए। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? हमारा मार्जिन है 75%। ये इंग्रेडिएंट जो उसमें आते हैं ना बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। आल्सो पीपल आर पेइंग, क्योंकि बच्चे के लिए पेरेंट्स yes. कुछ भी कर yes. सकते हैं, और सेफ्टी के लिए। प्लस मुझे नहीं लगता प्राइस आपका बड़ा इशू है, बिकॉज हर सेगमेंट के प्रोडक्ट्स हैं। ज्यादा मुझे सेल्स एग्जीक्यूशन में गैप लग रहा है। अभी तक तो हैमलीज पे अवेलेबल होना चाहिए, मैंने हैमलीज पे ऐसा प्रोडक्ट देखा ही नहीं है। हमने हैमलीज को अप्रोच किया था 2019 में, बट उन्होंने कहा था नया ब्रांड को दे टेक नियरली 60-70% मार्जिन, तो दे देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ब्रांडिंग हो जाती। अभी तक आप में वो चुल जो होती है ना कि यू नो रातों को नींद नहीं आएगी, सेल्स नहीं बढ़ा, टारगेट, वो वाला हंगर मुझे दिख नहीं रही है। आई एम अप। थैंक यू। मुझे नहीं लगता है कि हंगर या पैशन की कमी है, मुझे लगता है बिजनेस एक्यूमेन की कमी है, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट जो है इट शुड हैव बीन फ्लाइंग ऑफ द शेल्फ्स। राइट। सेल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, so I'm out. But I think you have a great product. चलो, thank you. मैंने भी decision बना लिया है। देखो मुझे क्या लगता है ना, एक वो होता है what you don't know, आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या बना लिया है और इसका क्या potential है। Genuinely अच्छा product बनाया है, बहुत depth लगाई है, मैंने brushes देखे और मैं अपने बेटे के साथ देखता हूँ, वो brush नहीं पकड़ पाता है। ये बहुत research बहुत करके सही है। तो वो मुझे दिख रहा है आपके product में। अभी ये टू अर्ली है फॉर मी टू कम इन एंड इन्वेस्ट, बिकॉज इसमें टाइम लगेगा। अभी जो वैल्यूएशन पे मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा इट विल बी नॉट राइट फॉर यू, तो इसलिए मैं इससे बाहर हूँ। बट आई थिंक यू विल डू वेरी वेल, यू जस्ट नीड वन सेल्स पर्सन, सॉलिड सेल्स पर्सन। थैंक यू। कितना स्केल करेंगे to bring your costs down dramatically? हमने actually ये calculation नहीं किया। That's करने good. के लिए। Appreciate yes. the honesty. Yes. अभी तक आपने वो काम नहीं किया। नहीं। Okay. Margins analysis किया आपने? Yes. मतलब पिछले महीने आपने सेल की 8 लाख की? 8 लाख 70,000। तो उसमें 75% आपका gross margin था। मतलब कितना बचा? So approximately around 6 lakhs. थोड़ा yeah. उससे कम 5.7 आपके पास बचा। yeah. उसमें से क्या खर्चे आए और एंड में आपके पास कितना बचा या कितना नुकसान? Almost 9% मार्केटिंग के लिए जाता है।
शिपिंग के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10% जाता है, अमेजोन 21% वहाँ पे जाता है, फर्स्ट क्राई के लिए हमारा 37% वहाँ पे मार्जिन है। ये सब हमने नहीं निकाला है इसमें से। तो 2.5-3 लाख रुपया आपके बचे हैं, उसमें और क्या कॉस्ट है? हम 5 लोग हैं टीम में और उनके एक्सपेंसेस। तो कितना नुकसान हुआ पिछले महीने? नुकसान नहीं होगा, ब्रेक इवन हुआ। हाँ, आपकी इक्विटी कितनी है? 50-50। तो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ, आई कैन गिव यू 50 लाख बट आई विल कम इन एज अ 1/3 पार्ट। मैं इसको वैल्यूएशन की तौर से बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट इट एज समबडी यू कैन कम इन एज अ बिजनेस पार्टनर और आपको हेल्प कर सके एक दिशा बनाने में और फिर स्केल करने में। आप co-founder रखेंगे किसी को? अगर business scale करना हो, we would like to take your advice and probably get a third co-founder on board. That is exactly my role. I cannot be your co-founder where I want 1/3 of your share. Yeah. I don't want to run your company. I will take 15 lakhs for 10%, which gives you a 1.5 crore valuation. 35 lakhs मैं आपको दूंगा as debt. जब आपको वापस करना है तब आप 35 लाख दे सकते हो, तो आपके ऊपर स्ट्रेस भी नहीं होगा और इससे ज्यादा इक्विटी मैं लेना नहीं चाहता आपसे, तो ये मेरा ऑफर है। ये स्टेज पे मेरी फिलॉसफी है कि फाउंडर्स को डेट लेना नहीं चाहिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, आप डेट कैसे सर्विस करो। सेकंडली, को फाउंडर लाना कोई आसान काम नहीं है और उसको काम बनाना और सालों काम बनाना और स्केल करना बहुत बहुत मुश्किल काम है, इट्स द टफेस्ट जॉब। Co-founder जरूरी नहीं होता कि आपको equity देके भी आता है। आपको पता है, पीयूष जैसे लोगों ने इतने अच्छे co-founders रखे हैं and now they have become CEO of his business. Zomato ने भी ऐसे किया था। ये analogy बिल्कुल बेकार। Lenskart और Zomato are $5 billion। But they started where you started. वो co-founder तब नहीं बनाया था उन्होंने। आप ये सोचिए। Co-founder बाद में बना देंगे। आपका समराइज करने से पहले इंटरेस्ट है कि इंटरेस्ट फ्री है डेट? इंटरेस्ट फ्री, बिकॉज आई डोंट थिंक अभी इंटरेस्ट ले पाएंगे। आप डेट मत लेना, आप ज्यादा इक्विटी मत देना। तो अमन, आपकी डील पक्की है? मजनू भाई, गुड, किंग ऑफ आर्ट यू गॉट, लेट्स बिल्ड इट। थैंक यू, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस, ग्रेट ब्रांड, मेक इट बिग। Thank you. Thank you so much. Bye-bye.